नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञानकोश विनोद बाबू के साथ। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि जिनके जन्म से लेकर मरण तक कोई प्रमाणिकता नहीं है। आप जानते हैं ऐसे कवि, अगर नहीं जानते हैं तो हम पहले एक दोहा बताते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आपने इस दोहे को सुना है तो आप जान चुके होंगे, अगर नहीं जान पाए तो हम बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे संत कबीरदास की। संत कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा था। अब हम आपको बता दें, या विद्वानों का भेद है, मतभेद है कि इनके माता पिता ये रियल नहीं थे। इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। हम आपको बता दें, विद्वानों का कहना है कि संत पढ़े लिखे नहीं थे, वे कभी पाठशाला गुरुकुल में नहीं गए, उन्होंने घर पर ही पढ़ाई की और स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाया। अब हम आपको बता दें स्वामी रामानंद कौन थे। स्वामी रामानंद एक दिव्य वाणी से प्रसाद पाकर जन्मे थे, जिन्होंने खीर को ही अपना जीवन आहार बनाया। अब हम बात करते हैं संत कबीरदास की। संत कबीरदास का विवाह एक सुंदर कन्या लोई नामक से हुआ। इनके दो संतानें हुई, एक पुत्र एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। विद्वानों का कहना है कि कमाल कवि कमाल नामक एक कवि हुए हैं जिन्होंने कबीरदास के दोहों का खंडन किया। विद्वानों का यह भी भेद है कि कमाल नामक इनके जो पुत्र थे वो रियल नहीं थे। अब हम आपको बता दें कि संत कबीरदास अंतिम क्षण काशी में थे। कहा जाता है, या विद्वानों का कहना है कि काशी में मरने पर स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने पर नर्क मिलता है। हम आपको बता दें, या विद्वानों का कहना है कि संत कबीरदास अंतिम क्षण काशी में थे। इन्होंने काशी को छोड़कर मगहर चले गए, जहां इन्होंने अंतिम सांसें ली। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई। संत कबीरदास की एक सूक्त हमें याद आती है कि बूंद समानी समद में हेर कति जाए। इसका तात्पर्य यह है कि समुद्र में एक बूंद जब समा जाती है, हमारा कहने का मतलब है कि एक बूंद जब समुद्र में समा जाती है तो उसे प्राप्त करना दोबारा बहुत कठिन होता है। हमारा कहने का मतलब है कि मैं एक बूंद हूँ, आप जिसके माध्यम से देख रहे हैं वो एक सागर है, समुद्र है। तो हम खो ना जाएं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपसे दोबारा भेंट कर सकें। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें जरूर। धन्यवाद।